हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वैकेंसी की जानकारी लेकर, जिसका नोटिफिकेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आ रहा है। दोस्तों हम जानेंगे इसमें कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं और कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो दोस्तों आपकी लाइव अटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों जो आपको जॉब मिलेगी वो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे ये आपकी लाइव अटेंडेंट की जो पोस्ट है, ये दोस्तों एक प्रोजेक्ट के लिए आपके यहाँ पे वैकेंसी खाली की है। यहाँ पे दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, उसमें आपको लाइव अटेंडेंट की पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। जो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो फंडेड बाई है ICMR के द्वारा। दोस्तों ये आपका प्रोजेक्ट है वो फंडेड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 15,800 रहेगी। 15,800 पर मंथ की आपकी सैलरी रहने वाली है। और दोस्तों इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री IMS BHU है। दोस्तों इसका डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री IMS BHU है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके पोस्ट का आधार रहेगा वो दोस्तों आपकी पोस्ट रहेगी वो टेम्परेरी पोस्ट रहेगी। आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी पोस्ट है। जो दोस्त हमारे प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं या करने वाले हैं तो उन पता होगा कि प्रोजेक्ट की जो वैकेंसी रहती हैं वो दोस्तों टेम्परेरी ही रहती हैं, परमानेंट बहुत कम केसेस में होती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, तो यहाँ पे आपके पास दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आप इंटरमीडिएट हो विथ एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो इन एनिमल, दोस्तों आपका एक्सपीरियंस जो है दोस्तों होना चाहिए इन एनिमल रूम एंड माउस हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टिशू कल्चर लैब। दोस्तों इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का, आप तब इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अगर ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट हैं लेकिन यहाँ पे 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे दोस्त एज लिमिट भी रखी गई है, तो एज लिमिट आपके पास 30 ईयर यानी 30 साल से आपके पास उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो SC ST फिजिकल कैंडिडेट्स हैं उनको और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दोस्तों उनको यहाँ पर क्या है वहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी हमारे OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज में उनको छूट मिलेगी। इस यहाँ पे बात करेंगे कि आपको एप्लीकेशन कैसे भेजना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेन पेपर पर आपको अपना बायोडाटा, दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेन पेपर पर अपना बायोडाटा और यहाँ पर नेम और टू रेफरीज विथ डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल कैरियर स्टार्टिंग फ्राम हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस हैं, इनको दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको पोस्ट के माध्यम से, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको पोस्ट के माध्यम से, या आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना है। दोस्तों पोस्ट के माध्यम से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी को आपको भेजना है इसे। दोस्तों इसको इसकी जो लास्ट डेट आपको जहाँ पता चलेगी वो ये है कि दोस्तों आपको 21 डेज मतलब जब आपका एडवर्टीजमेंट निकला है उसके 21 दिन तक आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस डेट की जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या फिर ये जो दोस्तों मैं PDF आपको बता रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इस लिंक को डाउनलोड क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर TADA पेड नहीं किया जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर TADA पेड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पे विज़िट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको नई जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।